So hi guys, to the supplementary session of yesterday's class. हमने पिछले लेक्चर में पांडा सीरीज पढ़ा और मैंने आपको बोला कि वहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस और पढ़ने थे बट टाइम नहीं मिल पाया। तो ये एक सप्लीमेंट्री सेशन मैं शूट कर रहा हूँ जहाँ पर आई एक्सप्लेन अराउंड 10 पांडा सीरीज मेथड्स जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट मी टेल यू द सेटअप। बाय द वे, दीज आर द 10 मेथड्स जो हम पढ़ने वाले हैं। सेटअप बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो तीनों जो डेटा मैंने आपको दिया था वो इंपोर्ट कर लेना है। सो ये सब्सक्राइबर्स वाला डेटा है, ये विराट कोहली का आईपीएल मैचेस वाला डेटा है, और ये हमारा बॉलीवुड मूवीज का डेटा है। ये तीनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम लोग यहाँ से हमारा क्लास एज इन सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द एज टाइप मेथड। सो एज टाइप मैंने आपको नंपाई में भी पढ़ाया था। एज टाइप क्या करता है कि आपके डेटा का टाइप चेंज कर देता है। सो लेट्स से कि आप मान लेते हैं कि ये जो वीके हमारे पास सीरीज है, इसमें हमारे पास विराट कोहली के सारे आईपीएल इनिंग्स का स्कोर है और इट इज करेंटली इंटीजर 64, राइट? सो इस पॉइंट पे इफ यू राइट इंपोर्ट सिस एंड इफ यू राइट सिस डॉट गेट साइज ऑफ, तो ये आपको इस सीरीज का टोटल साइज बता देगा, दिस मच। ओके, नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली चेंज द साइज। सो अभी ये इंटीजर 64 है, बट अगर आप चाहो, आपको पता है कि विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर वॉज 113, यू कैन ईजली रिप्रेजेंट इट इन साइड इंटीजर 16। तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन राइट वी के डॉट एज टाइप और यहाँ पर यू कैन प्रोवाइड इंटीजर 16। इससे क्या होगा, टाइप चेंज हो जाएगा और इंटीजर 16 हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आपका जो डेटा है वो मेमोरी कम ऑक्यूपाई करेगा। सिस डॉट गेट साइज ऑफ और लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी अराउंड आपने 2/3 पे ले आए। ठीक है, सो बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो एज टाइप फ्यूचर में वी विल सी, जब भी हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, हम एज टाइप करके पहले डेटा के साइज को या डेटा के फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बिटवीन। सो बिटवीन, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, इज अ वेरी सिंपल फंक्शन। ये आपको एक रेंज के अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं ये निकाल के बताता है। सो बेसिकली बूलियन सीरीज रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स बताएगा। सो मैं पता करना चाहता हूं कि विराट कोहली ने कितने इनिंग्स में लेट्स से 51 से 99 के बीच में स्कोर किया है, 50 से ज्यादा, 100 से कम। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट वीके डॉट बिटवीन, बिटवीन में आपको दो नंबर्स प्रोवाइड करने हैं, 51, 99, और अब इसको आप जैसे ही रन करोगे यू विल गेट अ बूलियन सीरीज लाइक दिस, और इसको आप जैसे ही वापस वीके वाली सीरीज में पास करोगे यू वुड गेट ऑल द नंबर्स बिटवीन दिस। ठीक है, अब आपको पता करना है ऐसे कितने स्कोर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप साइज निकाल सकते हो। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू द टोटल काउंट। सो 43 इनिंग्स ऑफ 50 से ज्यादा, 100 से कम। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड बाय द वे, 51 भी इंक्लूडेड है, 99 भी इंक्लूडेड है। तो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा फंक्शन था, आई गेस आपको समझ में आ गया। अगला है क्लिप। क्लिप क्या करता है कि क्लिप भी सेम काम करता है। क्लिप बेसिकली एक गिवन रेंज में क्लिप कर देता है, मतलब जैसे आपने लेट्स से बोला कि मुझे मेरे पास ये सब्स वाला डेटा है, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट इज कि मैं इन सारी वैल्यूज को क्लिप कर दूं इन द रेंज ऑफ लेट्स से 100 to 200। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज 100 से 200 के बीच में ही रहेंगी। तो 100 से कम वाली वैल्यूज को आप 100 बना दोगे, 200 से ज्यादा वाली वैल्यूज को आप 200 बना दोगे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सब्स के ऊपर क्लिप चला रहे हैं और हम बोल रहे हैं हमें 100 से 200 कर दो।
नोटिस करना, जितनी भी वैल्यूज 100 से कम है वो 100 हो जाएंगी, और जितनी भी वैल्यूज 200 से ज्यादा है वो 200 हो जाएंगी, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। देखो 48, 57, 40, 43, 44, ये सब 100 बन गया, और 231 और 226 200 बन गया, और इनके बीच में जो भी वैल्यूज थी वो एज इट इज जैसी थी वैसी ही रह गई। जैसे कि यहाँ पे 144 था, सिंस वो 100 और 200 के बीच में आता है तो वो एज इट इज है। ठीक है, तो ये होता है क्लिप फंक्शन, कभी कभी काम आ जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इससे ज्यादा यूजफुल ऊपर बिटवीन है, वो हम ज्यादा टाइम्स यूज करेंगे। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको बोला जाता है ड्रॉप डुप्लीकेट्स, नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो फ्यूचर में ऐसा कई बार होगा कि आप किसी डेटा सेट पे काम करोगे और वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, ऑब्वियसली डुप्लीकेट वैल्यूज आपके एनालिसिस में आपको हेल्प नहीं करती, तो उनको हटाना चाहिए होता है, तो उसी में ड्रॉप डुप्लीकेट्स आपको हेल्प करता है। सो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, अगर आप ये सीरीज देखो, तो हमने टेम्प्रोरी सीरीज बनाई है जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो अगर आप इस सीरीज के ऊपर ड्रॉप डुप्लीकेट्स चलाते हो, लेट मी शो यू, अगर आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स चलाओगे तो क्या होगा कि सारी डुप्लीकेट वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी। यू कैन सी जस्ट वन सेकेंड, ये ऊपर वाला सेल मैंने रन किया और ये सेल मैंने फिर से रन किया, एंड यू कैन सी कि ये वाला रह गया, ये वाला ड्रॉप हो गया, ये वाला रह गया, ये वाला ड्रॉप हो गया, ये वाला रह गया, ये वाला ड्रॉप हो गया, और ये वाला रह गया और ये वाला ड्रॉप हो गया। ठीक है, सो जो पहला अकरेंस था वो रह गया और सबसीक्वेंट जितने भी अकरेंसेस थे वो सब ड्रॉप हो गए। ठीक है, तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स बेसिकली यही करता है, ये आपको एक एडिशनल काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अगर आप चाहो तो पहले अकरेंस को डिलीट कर सकते हो या फिर आप लास्ट अकरेंस को डिलीट कर सकते हो। लेट मी शो यू, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कीप इज इक्वल टू लास्ट, तो आप क्या बोल रहे हो कि सारे डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करो, सिर्फ लास्ट वाले को रखना। सो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे यू वुड सी कि अब पहला अकरेंस डिलीट हो रहा है, दूसरा वाला बच रहा है, पहला अकरेंस डिलीट हो रहा है, दूसरा वाला बच रहा है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं, कीप का वैल्यू लास्ट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट इट इज फर्स्ट, बट अगर आप चाहो तो आप इसको लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और फंक्शन होता है जो यूजफुल होता है, अच्छा बाय द वे इसको अगर आप किसी और जगह चला के देखो तो लेट मी शो यू, लेट्स से हमारे पास मूवीज वाला डेटा था, उसके ऊपर अगर आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स चलाओगे तो क्या होगा, आई गेस आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आपकी सिर्फ हर एक्टर की एक ही मूवी बचेगी, क्योंकि अगर एक्टर रिपीट हुआ तो डुप्लीकेट है तो आप उसको हटा रहे हो, तो यू कैन सी आपका टोटल डेटा इज नाउ 566 इंस्टेड ऑफ 1500, हमारे पास 1500 मूवीज थी बट सिर्फ 566 बची, वाई बिकॉज देर आर ओनली 566 यूनिक एक्टर्स, बाकी सारा रिपीट हो रहा था डुप्लीकेट से तो वो हट गए। ठीक है, देर इज वन मोर फंक्शन जो ये चेक करता है कि किसी डेटा में डुप्लीकेट्स हैं या नहीं। ठीक है, सो मान लो टेम्प हमारा डेटा है, इसमें डुप्लीकेट्स हैं, तो इसमें एक फंक्शन होता है डुप्लीकेटेड, और इसको अगर आप रन करो तो ये एक्चुअली बता देता है कि कोई वैल्यू डुप्लीकेटेड वैल्यू है या नहीं। ठीक है, सो यू कैन सी फॉल्स मतलब ये वैल्यू डुप्लीकेटेड नहीं है, ये डेटा में फर्स्ट टाइम आई है, ट्रू का मतलब ये वैल्यू डुप्लीकेटेड है, ये डेटा में सेकेंड टाइम आई है। तो अगर आपको फिगर आउट करना है कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे सम लगा सकते हो, इस बूलियन सीरीज के ऊपर आप जैसे ही सम लगाओगे तो सारे ट्रू ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 + 1, ये देखो आपको आंसर मिल रहा है 4, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस डेटा में देर आर 4 डुप्लीकेटेड वैल्यूज। तो ये झट से तरीका है पता करने का कि किसी सीरीज के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं और चला के देखूं हमारे पास जो डेटा फ्रेम्स है, जैसे कि अगर मैं वीके पे चला के देखूं, वीके डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, एंड यू कैन सी कुछ ना कुछ वैल्यूज तो डुप्लीकेट होंगी, इनफैक्ट 137 वैल्यूज डुप्लीकेट हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली विराट कोहली के जो स्कोर्स हैं वो रिपीट होंगे, जीरो उसने 9 बार बनाया है, एक उसने मल्टीपल टाइम्स बनाया होगा, तो वैल्यूज डुप्लीकेट होंगी। ठीक है, बट
आई नो इसको हटाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, सारी डुप्लीकेट वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. कुछ सिनेरियोज में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वहां पे आपको ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके हटाना होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस जहां पे आप मिसिंग वैल्यूज के साथ डील करते हो. तो हमने एक टेम्प्रोरी सीरीज बनाया है जिसमें देर आर 10 टोटल वैल्यूज और उनमें से 3 वैल्यूज मिसिंग है, एज इन मिसिंग वैल्यू है. और रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत बार होगा, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऐसे डेटा सेट्स के ऊपर काम करेंगे जहां पर आपकी कुछ वैल्यूज मिसिंग होंगी. तो मिसिंग वैल्यूज के साथ कैसे काम करना है उसका आपको एक थोड़ा अंदाजा दे रहा हूं मैं. सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपको कल की क्लास में बोली थी कि एक काउंट फंक्शन होता है और एक साइज एट्रीब्यूट होता है. मैंने आपको बोला था कि साइज टोटल नंबर काउंट करके देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं, वेर एज काउंट सिर्फ नॉन मिसिंग वैल्यूज, नॉन नल वैल्यूज को ही काउंट करता है. तो लेट मी शो यू, अगर मैं टेम्प के ऊपर साइज चलाऊं तो यू वुड सी कि आपको दिखाई देगा 10 बिकॉज इन टोटल देर आर 10 आइटम्स. वेयर एज अगर मैं काउंट चलाऊं विच इज अ फंक्शन, ये आपको 7 रिटर्न करेगा बिकॉज देर आर 7 नॉट नल वैल्यूज. ठीक है, देर आर 3 नल वैल्यूज जिनको काउंट काउंट नहीं करता. ठीक है, अब व्हाट इफ मैं एक डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं, दैट डेटा इज वेरी वेरी लार्ज और मुझे बस तुरंत पता करना है कि इस डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, इस सीरीज में कितनी मिसिंग वैल्यूज है. तो आप बहुत झट से कर सकते हो यूजिंग इज नल. सो आप क्या करो, मान लो हमें चेक करना है कि वीके वाले सीरीज में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, तो आई कैन राइट वीके डॉट इज नल. ये क्या करेगा, ये हर आइटम से जाके पूछेगा आर यू अ नल, आर यू अ नल, आर यू अ मिसिंग वैल्यू. तो ट्रू फॉल्स का आपको एक बूलियन सीरीज मिल जाएगा लाइक दिस. और अगर आप इसके ऊपर सम चला दो तो ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन दैट सीरीज, जो कि इस वाले सीरीज में 0 है ऑब्वियसली बिकॉज डेटा मिसिंग नहीं है. बट अगर आप ये सेम चीज को टेम्प के ऊपर चलाते हो तो देखो 3 आएगा बिकॉज देर आर 3 मिसिंग वैल्यूज. तो ये जो इज नल है ये बहुत काम का फंक्शन होता है इन कंजंक्शन विथ सम. ये आपको तुरंत बता सकता है कि आपके डेटा के अंदर, सीरीज के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं. और ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मिसिंग वैल्यूज को आपको हैंडल करना पड़ता है. हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर देते हो या फिर आप उसको फिल कर देते हो. ठीक है, तो मैं दोनों तरीके आपको फिर बताता हूँ. मान लो आपने बोला कि भाई मुझे अपनी सारी मिसिंग वैल्यूज को हटाना है, आई डोंट केयर. तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ड्रॉप एनए. ये देखो, अगर आप टेम्प के ऊपर ड्रॉप एनए चलाते हो, ये क्या करेगा, एक कंप्लीटली नया सीरीज आपको बना के देगा जिसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी. इसने सारी की सारी एनए वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे. बट यू गेट द आइडिया कि आप सारी मिसिंग वैल्यूज को 1 गो में हटा सकते हो यूजिंग दिस फंक्शन. वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, सेकेंड आप ये बोल सकते हो कि भाई मुझे ड्रॉप नहीं करना, मेरे को इंपॉर्टेंट है वो, मुझे कुछ काम निकाल लेना है. तो आप क्या कर सकते हो, आप फिल एनए फंक्शन यूज कर सकते हो टू फिल द वैल्यूज. लेट्स से आपने बोला कि यार मुझे हटाना नहीं है, मुझे उन सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है विथ जीरोस. तो आप इस केस में क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे टेम्प डॉट फिल एनए विथ जीरो. ये भी एक नया सीरीज आपको बना के देगा जहां पे हर मिसिंग वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ जीरो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीरो ही भरते हो, आप कोई भी नंबर भर सकते हो, आप कोई लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो. लेट्स से आपने ये बोला कि मुझे मिसिंग वैल्यूज को जीरो से नहीं बल्कि जो डेटा है उसके मीन से रिप्लेस करना है. तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे टेम्प डॉट मीन. और इससे क्या होगा, जो सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो गई डेटा के मीन्स. ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे जब हम लोग डेटा फ्रेम्स की पढ़ाई करेंगे. एंड वी वुड सी कि देर आर डिफरेंट वेज यूजिंग विच यू कैन फिल डेटा इनसाइड योर मिसिंग डेटा. बट फिलहाल आपको बस दिखाना था कि फिल एनए जैसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो आपको मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला फंक्शन है इज इन. सो इज इन भी काफी यूजफुल फंक्शन है. ये एक साथ मल्टीपल चीजों को चेक करता है आपके सीरीज के अंदर. लेट्स से हम वीके वाले डेटा सीरीज को ले रहे हैं और
लेट्स से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी विराट कोहली 49 या फिर 99 पे आउट हुआ है क्या? मुझे ये पता करना है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, वीके इज इक्वल टू 49 और वीके इज इक्वल टू 99, ठीक है? और ये आपको एक बूलियन सीरीज मिल जाएगी। जस्ट वन सेकेंड, आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे लाइक दिस। एंड यू कैन सी आपको एक बूलियन सीरीज मिल गई। इसको आप जैसे ही वीके के अंदर डाल रहे हो, बूलियन इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो ये देखो दो मैचेस ऐसे हैं जिसमें विराट कोहली या तो 49 पे आउट हुआ या तो 99 पे आउट हुआ, राइट? बट नाउ लेट्स से मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोला कि मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे मैचेस हैं जहां पे वो 49 या फिर 99 या फिर 69 या फिर 79 पे आउट हुआ है। तो फिर मुझे ऐसे चार कंडीशंस लिखने पड़ेंगे, राइट? तो ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है। तो इसी को सॉल्व करता है इज इन। इज इन क्या करेगा, वो सिंपली एक फंक्शन चला देगा इज इन, और यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर पास कर दो कितनी भी वैल्यूज, 49, 99, ठीक है? और ये आपको सेम बूलियन सीरीज रिटर्न कर देगा, और आपको बस क्या करना है, इसको वीके के अंदर इंडेक्स कर देना है एंड इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है? सो यू कैन सी इस सिंटेक्स के कंपैरिजन में कितना आसान हो गया। आई होप चीजें क्लियर हैं, ठीक है? ओके, अगला जो फंक्शन है वो है अप्लाई। अप्लाई इज अ सुपर यूजफुल फंक्शन बिकॉज ये आपको आपके सीरीज के ऊपर कोई कस्टम लॉजिक अप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये मूवीज वाला सीरीज है जिसमें हमारे पास सारे के सारे मूवीज का नाम और एक्टर्स का नाम है। अभी लेट्स से किसी ने मेरे को ये बोला कि मुझे इसमें चेंजेस करके दो, मुझे एक्टर का नाम, पूरा नाम नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। सो विक्की कौशल नहीं चाहिए, बस विक्की चाहिए। विक्की आहूजा नहीं चाहिए, सिर्फ विक्की चाहिए। अनुपम खेर नहीं चाहिए, सिर्फ अनुपम चाहिए। ऑल्सो आई वॉन्ट कि जो नाम दिखाई दे एक्टर का वो फुली कैपिटल लेटर्स में हो। ये कस्टम लॉजिक आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरा कस्टम लॉजिक बनाने के लिए कोई एक फंक्शन तो है नहीं, तो अप्लाई आपको अपना खुद का फंक्शन अप्लाई करने में हेल्प करता है। लेट मी शो यू आप ये काम कैसे करोगे। आप लिखोगे मूवीज डॉट अप्लाई, और यहाँ पे आप अपना खुद का बनाया एक फंक्शन दे दोगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन दे रहा हूँ। लैम्डा फंक्शन में हर बार मुझे एक एक्टर का नाम मिलेगा, मैं उस एक्टर के नाम को स्प्लिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, दोनों नाम अलग मिलेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेट मी शो यू, एक बार मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी हर मूवी में हमारा जो एक्टर है उसका हमने नाम और सरनेम अलग कर दिया। अब जो लिस्ट बना है मुझे उसमें से जीरो आइटम चाहिए, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक्टर का नाम, बट मुझे ये अपर केस में चाहिए, तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा अपर एंड दिस इज द आउटपुट। सो यू कैन सी अप्लाई को यूज करके कितना इजिली मैंने अपना कस्टम लॉजिक बनाया और उसको अपने हर आइटम के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक और डेटा है, लेट्स कॉल इट सब्स, मतलब सब्स ही नाम है उसका। सो सब्स में मेरे पास मेरे चैनल पे पिछले एक साल में हर दिन मैंने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए, ये डेटा है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस डेटा से एक नया डेटा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे जिन भी दिनों में मैंने एवरेज से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए मैं उसको गुड डे बुलाना चाहता हूँ, और जिन भी दिनों में मैंने एवरेज से कम सब्सक्राइबर्स गेन किए उसको बैड डे बुलाना चाहता हूँ। सो फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो एवरेज है वो है ये, यू कैन सी 135 इज माई डेली एवरेज। तो बेसिकली जिन भी दिनों में मैंने 135 से ज्यादा गेन किया मैं उनको गुड डे बुलाना चाहता हूँ, और जिन भी दिनों में मैंने कम गेन किया उसको मैं बैड डे बुलाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे हम ये, यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो। आप अप्लाई फंक्शन यूज करोगे, सब्स डॉट अप्लाई, यू विल पास अ लैम्डा। लैम्डा में आपको हर दिन एक नंबर मिलेगा और आप उस नंबर के हिसाब से बोलोगे गुड डे इफ एक्स इज ग्रेटर देन सब्स
डॉट मीन एल्स बैड डे. दिस इज द कोड गाइस. हमने क्या लॉजिक लिखा कि अगर जो आज का सब्सक्राइबर काउंट है वो मीन से बड़ा है तो गुड डे हो जाएगा, अगर मीन से छोटा है तो बैड डे हो जाएगा. लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी शुरू के दिनों में सब कुछ बैड डे था और अभी रीसेंट के दिनों में चीजें गुड डे बन गई हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो इस तरीके का हम लोग आगे भी गोइंग फॉरवर्ड कई कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे हमारे डेटा के ऊपर. सो अप्लाई इज सुपर यूजफुल, सुपर पावरफुल. यू शुड डेफिनेटली लर्न हाउ टू यूज अप्लाई. ठीक है, आज का लास्ट फंक्शन हम लोग देख रहे हैं. फंक्शन का नाम है कॉपी. ठीक है, अब कॉपी क्या करता है आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, बट कॉपी क्यों यूजफुल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. और इस प्रोसेस में आई विल टेल यू अ कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है कॉपी एंड व्यू. तो मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि कॉपी क्या होता है, व्यू क्या होता है. ठीक है, ध्यान से देखो. मान लो मेरे पास वीके वाला सीरीज है और वीके वाले सीरीज में देर आर 215 मैचेस का डेटा. अब मैंने क्या किया, मैंने वीके डॉट हेड बोल करके, लेट्स से मेरे को ये स्टोर करना था कि विराट कोहली ने पहले 5 मैचेस में कितने रन बनाए, इसको मुझे एक सेपरेट जगह पे स्टोर करना था. तो मैंने वीके डॉट हेड निकाल दिया. वीके डॉट हेड निकालने पे मुझे क्या मिल गया, पहले 5 मैचेस का डेटा. अब मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, न्यू लाइक दिस. ठीक है, तो यू कैन सी सारे मैचेस का डेटा वीके में है और न्यू में पहले 5 मैचेस का डेटा है. ठीक है, अब कोई आया और वो आके मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई विराट कोहली ने पहले मैच में 100 नहीं बनाया था. ठीक है, पहले मैच में उसने 100 नहीं बनाया था, उसने पहले मैच में 1 रन बनाया था. राइट, तो आपने क्या किया, आपने ये लिख दिया न्यू का 1. न्यू का 1 क्या होगा, 100. राइट, न्यू का 1 इज 100 और इसको मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, 1. तो ये एडिट हो जाएगा, मैंने आपको कल सिखाया था एडिटिंग होती है. तो अब अगर आप न्यू पे जाओ तो यू कैन सी पहले मैच में अब विराट कोहली ने 1 रन बनाए थे. बट ऐसा करने से क्या हुआ कि आप जब वीके को रीलोड करोगे, जहां पे 1 का वैल्यू 100 था, वीके को रीलोड करने पे यू वुड सी यहां पे भी चेंजेस हो गए. यही मुझे आपको दिखाना था. सो हुआ क्या, होता क्या है कि जब आप हेड या टेल करते हो टू गेट अ प्रीव्यू ऑफ योर डेटा, तो आपको डेटा का कॉपी नहीं मिलता है, आपको डेटा का व्यू मिलता है. ठीक है, सो आप एक्चुअली ओरिजिनल डेटा को ही उठा रहे हो. राइट, तो हेड और टेल वाले जो फंक्शंस हैं दे गिव यू द व्यू ऑफ द डेटा, दे आर नॉट कॉपी, दे आर नॉट रेप्लिका. विच मीन्स अगर आप उनमें चेंजेस करोगे, हेड और टेल में चेंजेस करोगे, वो पलट के रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा आपके ओरिजिनल वाले डेटा के ऊपर. ठीक है, एंड दैट इज अ बैड सिचुएशन, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल. सो अगर आपको ये सिचुएशन से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था वीके डॉट हेड आपने किया, इससे आपको टॉप 5 मिल गया. राइट, अब आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर कॉपी चला दोगे. तो जैसे आप कॉपी चलाओगे आपको आउटपुट में सेम चीज दिखाई दे रही है, बट ये है नया. सो न्यू में मैंने स्टोर कर लिया इस कॉपी को. अब देखो न्यू में क्या है कि पहले मैच में उसने 1 रन बनाए. अब मैं बोल रहा हूं नहीं, पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, सो मैंने इसको 100 कर दिया. सो अब अगर मैं न्यू को दोबारा प्रिंट करूं, यू वुड सी फर्स्ट मैच में विराट कोहली ने 100 रन बनाए. राइट, बट अगर मैं ओरिजिनल डेटा में जाऊं वीके में, आप नोटिस करोगे वहां पे अभी भी पहला मैच इज 1, बिकॉज जब आपने ये कॉपी फंक्शन यूज किया तो आपने उसका कॉपी क्रिएट किया. और कॉपी के ऊपर आप जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल वाले से अलग है. ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू बी केयरफुल कब आप व्यूज के साथ काम कर रहे हो, कब आप कॉपीज के साथ काम कर रहे हो. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप व्यूज के साथ काम कर रहे हो और आप कुछ चेंजेस कर दो और वो आपके मेन डेटा के ऊपर चेंजेस ले आए, तो इससे यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है, तो बेसिकली द आइडिया वॉज टू टेल यू अबाउट कॉपीज एंड व्यूज. ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि आप कॉपी बना लिया करो. तो ये हो गए गाइज हमारे 10 फंक्शंस जो बच गए थे लास्ट क्लास में. हमने अभी जस्ट ये सारे फंक्शंस कवर किए. ओके, ये सब कुछ सेम फाइल के अंदर है, फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब सारे के सारे फंक्शंस अभी भी कवर नहीं हुए,
A lot of functions are left, and we will discuss them when we will study data frames. We will try to cover as many as possible. So yeah, that's it. I hope you like the session. अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.